आप सभी लोगों का आज हमारे इस नए वीडियो में तहे दिल से स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारे पास मारुति कंपनी की एटिका गाड़ी आई हुई है। तो फ्रेंड, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट होता है, फिर 10 सेकंड जैसे ही स्टार्ट करेंगे 10 सेकंड में ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, या आप स्टार्ट करके जैसे गियर में थोड़ा आगे लेंगे तो गाड़ी बंद पड़ जाता है। तो हम इसको आज चेक करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास टोइंग करके गाड़ी आई हुई है, रात में टोइंग करके आई हुई है। तो हम इसका चेक करते हैं कि स्टार्ट होने के बाद गाड़ी क्यों बंद पड़ जाती है, इसको डीजल बराबर नहीं मिल रहा है, या नोजल स्प्रे कर नहीं पा रहा है, या पंप बराबर डीजल नहीं बना पा रहा है, या इसका फ्यूल पंप का मोटर का भी बहुत सारा इशू आता है। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो हम गाड़ी को गैरेज के अंदर धक्का मार के ले लेते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं, ठीक है? आ जा। तो अब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करके देखते हैं क्या प्रॉब्लम है करके। देखिए, गाड़ी हमारी स्टार्ट है, हमने गाड़ी स्टार्ट किया है। देखिए, कुछ ही सेकंड में बंद हो जाएगा। देखिए, मीटर पे चेक लाइट भी आ रहा है, ये देख सकते हैं मीटर पे चेक लाइट भी आ रहा है। अब हम इसको थोड़ा आगे करते हैं। देखिए, जैसे आगे करेंगे पीछे करेंगे, देखिए हमारी अभी गाड़ी बंद हो गई, अभी स्टार्ट भी नहीं हो रही। देखिए, हमने वहाँ स्टार्ट किया और स्टार्ट कर हमने यहाँ तक पीछे लिया, अभी स्टार्ट कर रही, स्टार्ट भी नहीं हो रही है। ये देखिए, देखिए हमारी गाड़ी बंद पड़ गई। मुश्किल से एक मिनट गाड़ी चालू रहती है और सर ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। अभी हमने पीछे लिया तो वहाँ बंद पड़ गई, फिर अंदर हमने गाड़ी डाला, 10 सेकंड 20 सेकंड चालू था, ऑटोमेटिक बंद हो गया। देखिए, मीटर पर लाइट जल ही रहा है, ऑटोमेटिक बंद हो गई है। हम इसका डीजल टैंक ओपन करने जा रहे हैं। एक बार इसका डीजल टैंक ओपन करके इसका जो फ्यूल पंप का मोटर आता है उसे चेक करेंगे, और इसका जो डीजल फिल्टर आता है उसको भी ओपन करेंगे कि डीजल फिल्टर में कचरा वचरा तो नहीं है। तो डीजल टैंक और डीजल फिल्टर दोनों ओपन करते हैं, ओपन करके फिर चेक करते हैं, फिर आपको बताते हैं। हमने गाड़ी को स्टैंड पे ले लिया है, दोनों से अच्छा हाइट कर लिया। देखिए, इसका डीजल टैंक ओपन करते हैं और ओपन करके चेक करते हैं कि फ्यूल पंप का प्रेशर क्या है, प्रेशर लो तो नहीं है, या डीजल फिल्टर में कचरा वचरा तो नहीं है, डीजल में कचरा तो नहीं है, क्योंकि जैसी रेस करते हैं वैसी गाड़ी बंद पड़ जाती है। स्टार्ट करके जैसी थोड़ा सा आगे लेंगे वैसा देख सकते हैं आप लोग। हम इसका डीजल फिल्टर भी ओपन कर रहे हैं, हमने इसका बैटरी वैटरी खोल दिया है। अब डीजल फिल्टर बाहर निकालेंगे और चेक करेंगे कि उसमें कचरा वचरा तो नहीं है, पानी वानी। हमने एटिका का डीजल फिल्टर बाहर ले लिया है, अब इसको छुट्टा करेंगे और छुट्टा करके चेक करेंगे कि इसके अंदर कचरा वचरा कुछ तो नहीं है, डीजल फिल्टर का कंडीशन क्या है, कैसा है। साफ किया है, जो खुला है इसको सब खोल के चेक किया गया है, फिट कर दो। ओके, हमारा टैंक भी बाहर ले लिया हमने, हमने इसका डीजल फिल्टर चेक कर लिया, डीजल फिल्टर बराबर है, कचरा वचरा कुछ भी नहीं है। तो इसका फ्यूल पंप एक बार बाहर निकालते हैं, उसका प्रेशर चेक करते हैं। सॉकेट अच्छा है, सॉकेट का पिन भी अच्छा है। तो हमने इसका डीजल फिल्टर भी फिट कर दिया है, बैटरी वैटरी सब लगा दिया है, और जैसा मैंने आपको बताया था इस वीडियो में कि देखिए, हमने इसका जो फ्यूल पंप का मोटर आता है उसे डायरेक्टली हमने बकेट में डाला है। देखिए, डायरेक्ट हमने बकेट में डाल के रखा है इसके अंदर। ये देखिए फ्यूल पंप का मोटर, और पाइप का कनेक्शन लगाया हुआ है, सॉकेट भी उसका लगा हुआ है, फ्यूल पंप के मोटर का सॉकेट। अब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करके चेक करते हैं कि हमारी गाड़ी अभी स्टार्ट रहती है या बंद पड़ जाती है, क्या होता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारी गाड़ी अभी स्टार्ट है, हम रेस वेस करके देखते हैं, क्योंकि रेस पकड़ते ही हमारी गाड़ी बंद पड़ जाती थी। क्योंकि अभी हमने क्या किया है,
वो जो बकेट है उसमें फुल डीजल भर दिया है और फ्यूल पंप का जो हमारा मोटर है पूरा डूबा हुआ है, तो उसको प्रॉपर जितना डीजल मिलना चाहिए उतना मिल रहा है। तो इसके लिए हमको देखने का है कि इसमें बंद पड़ता है क्या। अगर इसमें बंद नहीं पड़ेगा तो फिर हम वो कस्टमर जी से बात करेंगे, क्योंकि फ्यूल पंप मोटर का भी प्रॉब्लम आएगा तो ऐसा गाड़ी आपका बंद पड़ने का प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम सबसे पहले इसको चालू रख के 2-3 मिनट चेक करते हैं, अगर नहीं बंद पड़ेगा तो हम कस्टमर जी से बात करेंगे कि फ्यूल पंप का जो बॉडी आता पूरा उसे असेंबली चेंज कर देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर वो बोलेंगे कि चेंज कर देंगे, क्योंकि फ्रेंड वो क्या है बहुत महंगा है, 12 या 15 हज़ार का पार्ट है वो, अगर वो बोलेंगे नहीं कि कुछ जुगाड़ कीजिए तो हम आपको इसमें जुगाड़ भी करके दिखाएंगे उसके लिए हम क्या जुगाड़ करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम चेक करते हैं कि हमारी गाड़ी बंद पड़ती है क्या नहीं। देखिए अभी हमारी गाड़ी चालू है, RPM का काटा देख सकते हैं और ये ऑटोमेटिक देखिए हमारा चेक लाइट भी चला गया। देखिए हमारा इस पर चेक लाइट आता था। ये क्या है फ्रेंड, कभी कभी क्या है डीजल अगर कम मिलता है तो जो इसका रेल प्रेशर का स्विच आता है वो डीजल अगर कम पाएगा तो तुरंत चेक लाइट आ जाएगा, वो सेंसर काम नहीं करेगा। तो अभी इसे प्रॉपर डीजल मिला है, इसके लिए देखिए ऑटोमेटिक उसका लाइट भी चला गया चेक लाइट का। अभी तक देखिए हमारी गाड़ी चालू है, बंद भी नहीं पड़ रही है। पहले का तुरंत 10 सेकंड में बंद पड़ जाती थी, 10 सेकंड कभी 40 सेकंड कभी 1 मिनट। थोड़ा आगे से आवाज़ सुनाइए इंजन का, देखिए आवाज़ सुन सकते हैं हमारी गाड़ी की। देखिए हमने डायरेक्ट ही किया है, एक बार डायरेक्ट दिखा दीजिए पीछे से कि हाँ वही हमारी गाड़ी है करके। देखिए हमारी गाड़ी डायरेक्ट चालू है, तो फ्रेंड हमारा इसमें हम अभी तक तो हमें मोटर का ही प्रॉब्लम लग रहा है, क्योंकि मोटर क्या है जहाँ 100% काम करना चाहिए वहाँ 50% काम कर रहा है, तो इसके लिए प्रॉपर डीजल जितना खींचना चाहिए उतना खींच नहीं पा रहा है। तो हम सबसे पहले इसको और थोड़ा 10% चालू रखेंगे, चेक करेंगे, अगर हमारा क्लियर हो जाता है तो हम अपने कस्टमर से बात करते हैं कि हमारा हमको फिल्टर बॉडी जो है असेंबली चेंज करना पड़ेगा। क्या था फ्रेंड, उसमें एक वाल भी आता है रिटर्न वाल, वो भी जाम होने के कारण प्रॉब्लम आता है, तो फिल्टर बॉडी अगर असेंबली चेंज कर देंगे तो सारे प्रॉब्लम है जो सॉल्व हो जाएंगे। तो हम इसको पहले चेक करते हैं, अगर हमारा जैसा अगर वहाँ से सोल्यूशन आएगा उस हिसाब से हम काम करेंगे। अगर वो बोलेंगे नहीं चेंज मत कीजिए, हमको खर्चा नहीं करना है, गाड़ी उनको बेचना है या कुछ करना है, तो उसके हिसाब से हम बात करके आगे का काम करेंगे। अभी तक तो हमारी गाड़ी चालू है। वही हमने आपको दिखाया था, तुरंत जैसे हम ब्रेक पकड़ते थे गाड़ी बंद पड़ जाती थी। अभी हमारा 2-3 मिनट हो गया हमने गाड़ी चालू रखा, अभी तक कुछ प्रॉब्लम आया नहीं है, हमारा प्रॉपर रेस भी हो रहा है, सुबह रेस भी नहीं हो रहा है। तो हम अब इसको बंद करते हैं, अब बंद करके थोड़ा हम अपने कस्टमर जी से बात करते हैं कि क्या सोल्यूशन देते हैं, क्योंकि ये गाड़ी कम से कम 3-4 गैरेज पर घूम के आई है, कहीं पर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाया है। ये हमारे पास लेके आए थे टोचन करके, तो हमने सुबह से इसका काम चालू किया है, तो हमको भी 2-3 घंटा हो गया इस गाड़ी में, मतलब सब हमने चेक किया करके। हमारे पास कल शाम को गाड़ी आई थी, आज सुबह 9 बजे से हमने काम चालू किया, अभी 2 बज रहा है, तो अभी जाके हमको भी फॉल्ट मिला है। तो हम एक बार तब तक हम थोड़ा गाड़ी चालू रहने देते, तब तक हम कस्टमर जी से बात करते हैं कि क्या वो हमको बोलते हैं कि चेंज करेंगे या नहीं करेंगे। फ्रेंड तो हमने इसमें जुगाड़ किया है, इसमें होल गिराया है यहाँ पे, तो अब हम फ्यूल पंप फिट करने जा रहे हैं। हमने इसके फ्यूल पंप में चारों बाजू से और नीचे से होल गिरा लिया है 10-15, ताकि उसको डीजल तुरंत खींच सके, और होल करके और फिटिंग करने जा रहे हैं। फिटिंग करके फिर नीचे टाकी करके चेक करेंगे। तो हमने फ्यूल पंप को फिट कर दिया है, अब जा रहे हैं फिटिंग करने के लिए। चलो देखो, तो ये हमने टाकी भी फिट कर दिया है, इसका दोनों ब्रेकिंग का बोल्ट फंसा दिया, टाइट कर रहे हैं हम फाइनल। इधर पाइप वाइप भी लगा दिया है, सिर्फ इसका क्लिप चढ़ाना बाकी, इसका क्लिप भी चढ़ा देते दोनों, तो हमारा टाकी फिट हो जाएगा। इसके बाद हमने ये गाड़ी में से डीजल थोड़ा ओपन किया था, बाहर निकाला था, उसको भी टाकी में डाल देंगे, और डाल के और फिर गाड़ी स्टार्ट करके फिर चेक करके आपको दिखाते हैं। तो ये हमारी गाड़ी रेडी हो चुकी है, अब हम इसको डाउन कर रहे हैं, ताकि हमने इसका फिट कर दिया है।
अगर स्टार्ट करके चेक करते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ है कि नहीं। तो अब हम गाड़ी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए गाड़ी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। अब हम रेस करके चेक करते हैं, क्योंकि रेस पकड़ते ही हमारी गाड़ी बंद पड़ जाती थी। हमने इस गाड़ी को डाउन कर दिया है फ्रेंड। हमने इसमें ज़्यादा कुछ किया नहीं है, खाली फ्यूल पंप का जो बॉडी आता है उसमें हमने नीचे से 6-7 होल कर दिया डीजल तुरंत मिलने के लिए। ठीक है, ये गाड़ी हमने डाउन भी कर दिया। देखिए हमने इसका टाकी ओपन किया था, उसको फिट भी कर दिया है। फिट करके गाड़ी चालू रखा है हमने, क्योंकि हमने आपको बताया था कि हम कस्टमर जी से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ हो सकता है तो करिए। तो हमने इसका फ्यूल पंप का जो बॉडी आता है प्लास्टिक का, जिसमें मोटर फिट रहता है, तो नीचे से हमने कम से कम 7-8 होल गिरा दिया हीटर प्लग गर्म कर करके, ताकि उसको नीचे से डायरेक्ट डीजल मिल सके, मोटर खींचने से पहले ही वो खींच सके। देखिए हमारी गाड़ी चालू भी है, हमारा चेक लाइट भी चला गया है। ठीक है, अब हम इस गाड़ी में थोड़ा सा और डीजल पेट्रोल पंप से डालेंगे और इसको एक लंबा सा टेस्ट ड्राइव लेके आएंगे। अभी तो फिलहाल हमारी गाड़ी चालू है, क्योंकि स्टार्ट करते ही हमारी गाड़ी बंद पड़ जाती। देखिए अभी हमने स्टार्ट भी किया, देखिए हमारी गाड़ी रेस भी हो रही है। हमारा जो चेक लाइट था वो भी ऑटोमेटिक चला गया है। ये हमारी मारुति कंपनी की एटिका गाड़ी है, देख सकते हैं। अभी तक हमारी गाड़ी चालू है, 2 मिनट हो चुका है हमारी गाड़ी को चालू करके। पहले ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 सेकेंड गाड़ी चालू रहता था, जैसे हम गेयर डाल के आगे लेते थे तुरंत गाड़ी बंद पड़ जाता था, या रेस करते थे तो भी बंद पड़ जाता था। सुन सकते इसका आवाज़। तो इसको हम थोड़ा बाहर ले लेते हैं, थोड़ा इंजन में पानी मार देते हैं। देखिए इधर डीजल उजल गिरा हुआ है, क्योंकि हमने इसका एयर ब्लीडिंग किया था डीजल फिल्टर टैंक खोलने के बाद, तो थोड़ा डीजल गिरा हुआ है। तो हम इसको पानी मार कर, हवा मार कर पूरा क्लीन कर लेते हैं, और उसके बाद इसमें डीजल भर के और थोड़ा टेस्ट ड्राइव एक लंबा सा लेके आते हैं। अभी तो हमारी फ़िलहाल गाड़ी चालू ही है, देख सकते हैं। ये गाड़ी का प्रॉब्लम हमने बिना 1 रुपया इन्वेस्ट किया हमने सॉल्व किया है। नहीं तो फ्रेंड इसका मोटर असेंबली डालने जाएंगे तो कम से कम 10-12 हज़ार में इसका मोटर आता है। हमने 1 रुपये भी इसमें खर्चा नहीं किया है, सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल किया इस गाड़ी में। और हमारी गाड़ी रेडी भी हो चुकी है। ये हमारी गाड़ी 3-4 गैरेज से घूम कर हमारे पास आई हुई है। आप इसका हालत देख सकते हैं, अंदर से देखिए पूरा डैशबोर्ड पर पूरा धूल मट्टी भरा हुआ है, देखिए कितने दिन से। ये गाड़ी हमारे पास कल आई हुई है और आज हमने दोपहर तक इसका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। अभी तक हमारी गाड़ी चालू है, देखिए 4 मिनट होने आया। ठीक है, तो अब हम इसको लेके जाते हैं, थोड़ा लंबा सा टेस्ट ड्राइव लेके आते हैं। तो ये गाड़ी हमारी फाइनल हो चुकी है। इसका हमने इंजन कवर ओपन किया था, उसे फाइनल फिट कर रहे हैं। इसको हमने पानी भी मार के क्लीन भी कर लिया और हवा भी मार दिया पूरी तरह से। देखिए अभी हमने पानी मारा है इस पर, तो इसका इंजन का जो कवर है वो भी लगा देते हैं, और उसके बाद हम टेस्ट ड्राइव के लिए लेके निकलते हैं इस गाड़ी को। सिर्फ हमने इंजन में पानी मारा है, एक बार टेस्ट ड्राइव लेके आ जाएंगे, उसके बाद फिर पूरे गाड़ी को वॉश करके कस्टमर जी को दे देंगे, क्योंकि गाड़ी बहुत गंदी है, क्योंकि 4-5 गैरेज से घूम घूम के आई थी ये गाड़ी, बहुत दिन से खड़ा था। देखिए टॉप का हाल, देखिए ये गाड़ी का कंडीशन, देखिए पूरी तरह से गंदा एकदम। ठीक है, बंद कीजिए बोनट। फ्रेंड हम इस गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लेके आ गए हैं। हमारे इस गाड़ी में देखिए चेक लाइट तो चला गया है, लेकिन अभी भी इस गाड़ी में सेम वही प्रॉब्लम है, अभी भी गाड़ी बंद पड़ती है। लेकिन क्या है, हमारा वो फ्यूल पंप का काम करने के बाद थोड़ा ये होता है कि स्लो में बंद नहीं पड़ता है, जब रनिंग करते हैं तो फास्ट जैसी लेते हैं वैसा गाड़ी बंद पड़ जाता है। तो
हम अब इसका दूसरा कुछ एक बार चेक करेंगे। देखिए हमारा गाड़ी स्टार्ट भी बराबर हो रहा है, हाइडलिंग में हमारा गाड़ी बंद नहीं पड़ता है। जैसे हम रेस करते हैं, थोड़ा रोड पे लेते हैं पिकअप के लिए, तो वैसा प्रॉब्लम आ रहा बंद पड़ने का। पहले क्या था, हाइडलिंग में भी बंद गिरता था, अभी हमारा गाड़ी स्लो में बंद नहीं पड़ रहा है। तो फ्रेंड हम इसका क्या करेंगे, एक बार इसका बॉस पंप चेक करेंगे, क्योंकि हमें बॉस पंप पे हमको प्रॉब्लम डाउट लग रहा है कि इसका बॉस पंप का प्रॉब्लम हो सकता है करके। तो हम इसका बॉस पंप ओपन करेंगे, और बॉस पंप ओपन करने के बाद तो हम फ्रेंड इसका बॉस पंप ओपन करेंगे। बॉस पंप ओपन करके और उसका बॉस पंप चेक करते हैं कि हम, क्योंकि हमें क्या लग रहा है कि जब जैसे आप गाड़ी स्पीड में लेते हैं तो प्रॉपर नोजल को उतना डीजल नहीं मिल पा रहा है, बॉस पंप उतना डीजल नहीं दे पा रहा है, इसलिए गाड़ी बंद पड़ जा रहा है, क्योंकि हाइडलिंग में गाड़ी बराबर चालू रह रहा है, बंद नहीं पड़ रहा है। तो हम इसका बॉस पंप ओपन करते हैं, ओपन करके उसके बाद से बॉस पंप को मशीन पे चेक कराते हैं कि बॉस पंप में कुछ इशू तो नहीं है। ये इसका बॉस पंप है, चेक कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये बॉस पंप हम ओपन करेंगे, ओपन करके मशीन पे चेक कराएंगे कि बॉस पंप में कुछ प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि हमें 99% बॉस पंप का ही प्रॉब्लम लग रहा है, क्योंकि जैसे हम गाड़ी भगाते हैं वैसे ही तुरंत गाड़ी बंद पड़ जाता है, क्योंकि उसको प्रॉपर जितना डीजल चाहिए नोजल को उतना उसे दे नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए हम इसका बॉस पंप ओपन करते हैं एक बार, बॉस पंप चेक करा के उसके बाद आपको फिर से एक बार, या बॉस पंप रिपेयर होने वाला रहेगा या बॉस पंप प्रॉब्लम है या नहीं है, जो भी है हम आपको बॉस पंप ओपन करके चेक करने के बाद आगे का डिटेल देते हैं। तो हमने जैसा कि आपको इसमें बताया था कि हम इसका पंप ओपन करने जा रहे हैं, लेकिन पंप ओपन करने से पहले एक बार हम नोजल चेक कर लेते हैं, नोजल में पंप से देख चेक कर लेते हैं कि नोजल में बराबर डीजल सब में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर उसमें बराबर आता रहेगा तो हम बिंदास पंप खोल देंगे और चेक करने के लिए दे देंगे। तो हम इसका नोजल का एक बार प्रेशर चेक कर लेते हैं और उसके बाद फिर पंप खोलना चालू करते हैं। मारुति सुजुकी आर्टिगा डीजल इंजन इंजेक्टर बैक लीकेज टेस्टिंग। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमने इंजेक्टर के रिटर्न पाइप में वैक्यूम पाइप लगाया है इसका इंजेक्टर का बैक लीकेज चेक करने के लिए। तो देख सकते हैं सारे लाइन्स में डीजल आ रहा है, और ये इधर चार डब्बा है, आप लोग देख सकते हो 1 2 3 4, ये देख सकते हैं आप। तो हमने इसका नोजल का प्रेशर चेक कर लिया है, नोजल का प्रेशर चेक कर लिया है, नोजल हमारा बराबर है, चार ओके है। तो अब हम इसका पंप खोलना स्टार्ट कर रहे हैं, पंप खोल के और एक बार जहाँ पंप रिपेयर होता है वहाँ एक बार इसको टेस्ट करा के देखते हैं कि पंप में कोई प्रॉब्लम है क्या। बॉस पंप ओपन करने के लिए पहले आपको बैटरी निकालना पड़ेगा, एयर फिल्टर बॉडी निकालना पड़ेगा, कूलेंट का डब्बा निकालना पड़ेगा, ये पाइप आपको बाहर निकालना पड़ेगा, ये बूस्टर का जो ब्रेक बूस्टर का जो वैक्यूम पंप है वो आपको पहले खोलना पड़ेगा, तब जाके आपका पंप खुलेगा। तो हम सब चार इसको खोलते हैं। सबसे पहले हम ये वैक्यूम का जो पंप है ये खोल लेते हैं, क्योंकि वैक्यूम का पंप खोलने के बाद ही आपका पंप खुलेगा, बॉस पंप जब तक नहीं खुले तब तक ओपन नहीं होगा। तो ये ब्रेक बूस्टर का वैक्यूम पंप है जो ब्रेक बूस्टर को हवा सप्लाई करता है, तो इसका ये भी हम ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के लिए पाइप को निकालने के, देखिए इधर साइड में लॉक दिया है, ये दबा कर आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। देखिए ये लॉक है, ये इसका लॉक है, इसको दबाएंगे तो ये आपका पाइप बाहर आ जाएगा। तो अब हम इसका वैक्यूम पंप ओपन करना चालू करेंगे। इसमें फ्रेंड 2 T40 का एलएनटी आता है।
ये देखिए, दो एलंकी का बोल्ट है, T40 का, एक यहाँ पे आता है वैक्यूम पंप में, एक नीचे आता है। ये दो बोल्ट ओपन करेंगे तो आपका ये पंप जो है आसानी से बाहर आ जाएगा। ये हमारा वैक्यूम पंप बाहर आ गया। अब इसे हम बॉस पंप ओपन करेंगे। इसमें T30 का एलंकी बैठेगा। देखिए, ये देखिए, इधर पीछे बोल्ट है। ये जब तक आप पंप बाहर नहीं निकालेंगे, ये वाला एलंकी आपका ओपन नहीं होगा। इसके लिए आपको ये वैक्यूम का पंप खोलना पड़ता है, ये बोल्ट खोलने के लिए। ये देखिए, ये बोल्ट खोलने के लिए इसमें तीन बोल्ट आते हैं फ्रेंड। एक यहाँ पे आता है, एक यहाँ पे आता है, और एक इस यहाँ से एकदम सामने, इसके सामने आता है स्विच के एकदम, आपके जो पंप का स्विच है उसके एकदम बाजू में। हमने तीनों बोल्ट खोल दिया है बॉस पंप का। अब इसका सॉकेट निकालेंगे। देखिए, बॉस पंप का सॉकेट निकालने के लिए इधर देखिए, ये पहले एक पीला सा आपको लॉक है, ये लॉक को नीचे लेना है इस तरह से। ये लॉक को, ये लॉक नीचे लेंगे, लॉक नीचे लेके यहाँ से इसको डालकर थोड़ा सा हल्का उठाकर ऐसा आपको निकाल देना है। देखिए, ये वाला लॉक, ये जो है इसको आपको ऊपर लेना है, ऊपर रहता है तो इसको आपको ऐसा नीचे करना है दोनों बाजू से। इस तरह से करेंगे तभी आपका ये दबेगा, ठीक है। फिर नीचे लेके ऐसा दबा कर आपको लॉक निकाल देना है। तो हमारा सॉकेट भी निकल गया। अब हम बॉस पंप को बाहर लेंगे। देखिए फ्रेंड, ये हमारा बॉस पंप बाहर आ चुका है, ठीक है। ये देखिए, ये भी कहीं गैरेज पे खोला गया है, देखिए, क्योंकि इसमें ग्रीस लगाया गया है। देखिए, ये भी चेक कराया गया है, एक बार हम भी चेक कराएंगे कि उन्होंने क्या किया है, क्या नहीं है किया, चेक किया है कि खोल के फिटिंग किया है, वो हमें मालूम नहीं है। ठीक है फ्रेंड, तो ये हम एक बार बॉस पंप जहाँ पंप रिपेयर होता है वहाँ पर एक बार टेस्ट करा लेते हैं, क्योंकि हमें 99% बॉस पंप में ही प्रॉब्लम लग रहा है। तो एक बार हम चेक कराते हैं उधर से क्या रिपोर्ट आता है, फिर हम आपको बताते हैं। तो हमने जैसा कि आपको बताया था कि हम पंप, हम बॉस पंप के यहाँ पे जहाँ रिपेयर होता है वहाँ पे देंगे, तो हमने बॉस पंप वहाँ पे दिया था, तो हमें इसमें कंप्लेंट मिला है। तो इसमें फ्रेंड बहुत सारे खर्चे हैं, उन्होंने बोला कम से कम 14 से 15 हज़ार रुपये खर्चा जाएगा पंप रिपेयर करने के लिए। तो हमने इसका पंप रिपेयर नहीं कराया है, कि उन्होंने 100% बोला कि बॉस पंप में प्रॉब्लम है, तो हम उनके भरोसे पे, और हमें भी 99% भरोसा है कि इसमें प्रॉब्लम है ही है, तो इसके लिए हमने इसका सेकेंड हैंड पंप अरेंज किया है। देखिए, ये इसका गाड़ी का है, और इस सेकेंड हैंड पंप हमने जो अरेंज किया, देखिए यहाँ पे है, ये हमने यहाँ पे रखा है, ठीक है। तो ये वाला हमारा सेकेंड हैंड बॉस पंप है जो हमने अरेंज किया है, और ये वाला गाड़ी का है। तो हम अब एक काम करेंगे, ये वाला जो पंप है जो हमने सेकेंड हैंड में अरेंज किया है, इसको हम गाड़ी में फिट करेंगे, गाड़ी में फिट करके और उसके बाद हम इसका टेस्ट ड्राइव लेंगे और चेक करेंगे। फ्रेंड, हमने इसको पूरी तरह से अच्छे से साफ कर लिया है, अब इसको हम फिट करेंगे। की है इसको फ्रेंड, इसे गिर कैसा है वो भी हम आपको बताएं। देखिए, इस पर नाम लिखा हुआ, ये जो लिखा हुआ जो है ये डॉट वाला, ये कभी भी ऊपर रहिएगा, ऐसा ऊपर रखिएगा, ये बाहर आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम पंप को फिट कर, ये पंप हमारा बैठ चुका है पूरी तरह। अब इसका हमने जो भी बोल्ट ओपन किया था उसे फिट करेंगे। ये देख सकते पूरी तरह से एकदम चिपक चुका है, थोड़ा भी गैप नहीं है टैपेट कवर में। ये देखिए, पूरा एकदम पंप हमारा चिपक चुका है। तो फ्रेंड, ये हमारा पंप फाइनल फिट हो चुका है, ठीक है। ये हमारा जो हमने आपको बताया था सेकेंड हैंड में हमारा पंप है, देखिए जो गाड़ी का है उधर पड़ा हुआ है, ये देखिए बाजू में, ठीक है। तो हमने सेकेंड हैंड जो पंप अरेंज किया है उसको फिट कर दिया है।
अब इसका जो वैक्यूम पंप है बूस्टर का, इसको भी अभी फिट करेंगे और फिट बड़ा शुरू है ना। तो ऐसे पानी मार तो ना सर, जो बॉस पंप था वो भी फिट हो गया है, हमारा वैक्यूम पंप भी फिट हो गया है, ठीक है। तो अभी दोनों ओपन करने के लिए हमने जो भी सारी चीज़ें ओपन की है तो उसको फिट कर देते हैं। फिट ये हमारा गाड़ी का पंप फिट हो चुका है पूरी तरह से, देख सकते हैं हमने इसका पंप वम्प फिट कर दिया है, डब्बा कूलर का डब्बा खोला था भी फिट हो गया है। अब हम इसका बैटरी लगाते हैं, अब बैटरी लगा के फिर फिल्टर लगा के फिर गाड़ी स्टार्ट करके फिर आपको चेक करके दिखाते हैं। हमारे एयर फिल्टर बॉडी भी लग चुका है, कूलर का कंटेनर भी लग चुका है, बैटरी वायर भी हमने लगा दिया है। अब इसको टाइट कर देते हैं, टाइट करके फिर गाड़ी स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं आप लोग, हमने गाड़ी स्टार्ट किया, हाथ से भी हमारी गाड़ी स्टार्ट हुई है। अभी हमारी गाड़ी चालू है, देखिए हमने इसमें इसका बॉस पंप रिप्लेस किया है, सेकेंड हैंड डाला हुआ है। ये इसका बॉस पंप है, ये हमने रिप्लेस किया है। इसमें हमारी गाड़ी भी स्टार्ट है, ये देखिए इसका चेक लाइट भी हमारा चला गया है, कोई चेक लाइट नहीं है। हमारी गाड़ी स्टार्ट है, आरपीएम का काट आप देख सकते हैं। तो अब हम इसका एक टेस्ट ड्राइव लेंगे, टेस्ट ड्राइव लेके चेक करते हैं। इसका बॉस पंप खोला था तो इधर पूरा डीजल वीजल गिरा था, एयर निकाला था, तो देखिए हमने पूरा पानी मार के वाश कर लिया है। अब वाश करके अब हम इसको लेके चलते हैं टेस्ट ड्राइव के लिए, इस गाड़ी को टेस्ट ड्राइव के लिए लेके जा रहे हैं। देखते हैं अभी हमारी गाड़ी क्या कंडीशन में है बॉस पंप रिप्लेस करने के बाद। जा ये हमारी गाड़ी गेट से बाहर निकल चुकी है, आंदो 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 आने दो बाहर। तो हम अब इस गाड़ी को हमारा वाशी पाम बीच रोड है उस पर लाए हैं, थोड़ा भगाकर चेक करने के लिए, क्योंकि पिकअप विकअप में कोई प्रॉब्लम वॉब्लम तो नहीं है वो चेक करने के लिए। देखिए हमारी गाड़ी फुल पिकअप में है, हमारे मीटर पे कोई चेक लाइट वेक लाइट भी नहीं है, देख सकते हैं हमारी गाड़ी 60 की स्पीड में है। देखिए रोड पे देख सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ फ्रेंड क्या है 60 लिमिट दिया है, इसके लिए हम 60 से ऊपर नहीं भगा सकते। देखिए यहाँ पे 60 लिमिट है ये रोड पे, ये हमारा पाम बीच रोड है, तो हम थोड़ा इसमें इस रोड पे चलाएंगे। देखिए अभी तक हमारी गाड़ी बंद नहीं पड़ी है, 5 से 6 मिनट हो गया हमको रनिंग करते करते। ये गाड़ी हमारी ओके हो चुकी है पूरी तरह से, हमने फुल टेस्ट ड्राइव का वीडियो नहीं लिया है क्योंकि हमारा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसके लिए हमने आपको शॉर्टकट में दिखाया है। फिर भी हमको नहीं हो गया तो भी कम से कम 15-20 मिनट हो गया इस गाड़ी को रनिंग करते हुए, ठीक है। तो अब यहाँ से म्यू टर्न ले लेते हैं और गाड़ी हम अपना गैरेज पर ले लेते हैं, फिर गैरेज पर पहुँच कर फिर आपको बताते हैं। ये गाड़ी का हमने टेस्ट ड्राइव ले लिया है आपके सामने, ये गाड़ी हमारी देखिए फाइनल भी हो चुकी है, हमने कम से कम यहाँ भी लाकर ट्रायल मारने के बाद भी आधे घंटे से चालू करके रखा है। ये गाड़ी हमारी फाइनल हो चुकी है, फिर जिसका कवर लगाने का ऊपर कहीं कवर भी लगा, कवर लगा दीजिए। तो फ्रेंड हमने ये वीडियो सिर्फ मैकेनिक भाइयों के लिए बनाया है, जो अगर किसी गाड़ी में ऐसा वो फंसे वसे रहे तो क्या क्या उन्हें काम करना चाहिए, क्या क्या चेक करना चाहिए, दो लोग भी कर सके। उसमें हमने सबसे पहले तो इसका फ्यूल पंप का जो मोटर आता उसे चेक किया, वो बराबर था। उसके इसके नोजल का प्रेशर चेक किया तो हमारा नोजल का भी प्रेशर बराबर था। उसके बाद हमने इसके बॉस पंप पे हाथ डाला,
जिसे हाई प्रेशर पंप भी कहते हैं, जो बोस पंप अपना नोजल को डीजल सप्लाई करता है वो मेन ख़राब हो गया था, तो हमने इसमें वो रिप्लेस किया है, तब जाकर हमारा गाड़ी ओके हुआ है। तो आज का हमारा ये वीडियो था, अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए।